नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूडी पार्सल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मेरे से गलती हो गई है क्योंकि ये प्लेस है एक पुस्तकालय, ठीक है। तो मैं हर हर महादेव काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, आप लोगों ने लाइब्रेरी देखी है, ये लाइब्रेरी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक पार्ट है RGSC, और RGSC का ये लाइब्रेरी है और बहुत साफ सुथरा है। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग ही कम है, मुझे लगता है कि मतलब एक साइकिल खड़ी है। खैर सुनने में आ रहा है कि अभी यहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं, वहां पे कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा आप वहीं पे रहिए, मैं बोल के सुना देता हूँ आप लोगों को। ये आपका 15 दिसंबर 2007 यानी कि 15 दिसंबर 2007 के आसपास इसका स्टेबलाइजेशन हुआ है। और मैं चाहूंगा कि बेसिकली अंदर दिखता कैसा है, कितना बड़ा होगा ये? साइबर लाइब्रेरी भी है, मतलब सिस्टम वगैरह यहाँ पे रहते हैं। अच्छा 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 और बुक्स वगैरह यहाँ पे होते हैं पूरा, मतलब ये पूरा। आप कभी BHU की लाइब्रेरी देखे हो, सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ का? अच्छा, मतलब वहाँ पे यहाँ पे बुक्स वगैरह मिल जाता है आदमी आके। ये 24 आवर्स ओपन रहता है या फिर किसी कुछ? 8 to 8 सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। गर्ल्स बॉयज दोनों आ सकते हैं, तो आप समझ गए मतलब ये लगभग वही 8 to 8 वाला सीन है यहाँ पे, 8 से 8 चलता है। उसके बाद आप अपने हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर सकते हो। और कुछ मैं थोड़ा सा चल के वहां तक दिखा देता हूँ, मैं चाहूंगा थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा वहां तक, कम से कम दिखा देंगे कैसा दिखता है ये। फैन वगैरह चल रहा है, टाइमिंग के लिए, समय के लिए यहाँ पे घड़ी लगा हुआ है, फैन वैन चल रहा है। मुझे लग रहा है फुल एसी है, फुल एसी रहता है, फुल एसी रहता है। ये यहाँ से इनका सीढ़ियाँ हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लाइब्रेरी का इनका फुल एसी है क्योंकि बहुत सारे एसी के यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं। केंद्रीय ग्रंथालय लिखा हुआ है, एक बार प्लीज वहां ऊपर दिखाइएगा, एकदम ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय ग्रंथालय। हाँ, ये केंद्रीय ग्रंथालय, ये पूरा लाइब्रेरी है इनका। चलो भाई RGSC की लाइब्रेरी देख लो। मैं चाहूंगा कि अब मैं इंडप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आप कैमरे की फ्रेम में ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि RGSC जो है बहुत पहले नहीं बना, 2007 में इनकी लाइब्रेरी है, 2006 वगैरह में शायद मुझे लग रहा है पास हुआ था यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने के लिए, और 2007 वगैरह में धीरे धीरे यहाँ फैकल्टी डिपार्टमेंट बनने लगे थे। तो ज़्यादा साल अभी नहीं हुआ है बने, लेकिन फिर भी विकास की स्पीड स्टार्टिंग बहुत तेज रही होगी अभी तो, मुझे लग रहा है क्योंकि 5 साल पहले मैं भी यहाँ पे आया था, तो कुछ उसी तरीके से चीज़ें हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम इस RGSC को अब इतना डेवलप करे कि यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ जाए, और बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी मूलभूत चीज़ें होती हैं बेसिकली वो उनको मिले। बाकी बहुत सारे यहाँ बच्चों से मैंने बात करी, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं, अप्रॉक्स बच्चे तो बहुत सेटिस्फाइंग है, मतलब वो संतुष्ट हैं कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे का सेटिस्फाई है तो उनका कहना है कि यहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा है, फूडिंग वगैरह बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो एजी से रिलेटेड बच्चे हैं, वेटनरी से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चे हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हम लोग जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं और फिर कहीं पर हम लोग एग्जाम देते हैं, तो हम लोग का जो सक्सेस रेट है, जो रिजल्ट है, उसका कहीं ना कहीं परसेंटेज बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ के रास्तों पे घूम रहा हूँ, कोई मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे इतना पीसफुल है। कभी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में भाई कम से कम वहाँ पे 1500 के आसपास तो पूरे व्हीकल्स बस खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे देखो ना पूरा एरिया खाली है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इतने शांति से पढ़ सकते हैं, हॉस्टल्स में एकदम शांति से रह सकते हैं, एकेडमिक बिल्डिंग में शांति से जा सकते हैं, पूरे रूट्स खाली हैं। तो छोटा परिवार खुशी परिवार, मैं चाहूँगा कि RGSC बच्चे खूब पढ़ें, मेहनत करें, और एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करूँगा कि RGSC के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उन्हें कहीं परेशान कर रही हैं, बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए वो लोग फंड अपना कहीं से भी इकट्ठा करके उसको पूरा करें। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जो भी RGSC के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं
हैं वो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कि बेसिकली क्या क्या छूट गया है उसको, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा आरजीएससी कैसा है। और बाकी आरजीएससी का हर एक पार्ट्स में ले आ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं विजिट किया हूँ तो अब लाइब्रेरी घूम रहा हूँ, हॉस्टल घूम रहा हूँ, स्कूल बिल्डिंग घूम रहा हूँ, यहाँ के जो एलटी हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी कवर हो पाएगा 1, 2, 3, 4 पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग हर एक वीडियोज़ को देखें। सुबह से आया हूँ, लगभग शाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चों से मैंने घूमा, बात किया, तो धीरे धीरे अपने से मैं एक्सपीरियंस से उनसे सुन के आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।